ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आगामी 8 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी वर्तमान सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए खुद सीएम गहलोत ने कहा कि हमने पिछला बजट किसानों को समर्पित किया था, जबकि इस बार हमारी सरकार युवाओं और महिलाओं को समर्पित बजट पेश करने जा रही है। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने प्रदेश के कर्मचारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि आमजन के कामकाज में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आमजन से जुड़े कार्यों में अनावश्यक देरी करने पर कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई होगी। यही नहीं, सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों को सस्पेंड और एपीओ ही नहीं बल्कि सीधे बर्खास्त करेंगे। आपको बता दें, गहलोत सरकार के पिछले 4 सालों के कामकाज की समीक्षा के लिए राजधानी जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का मंगलवार को दूसरा और आखिरी दिन था। जयपुर के हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित चिंतन शिविर के समापन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील सुशासन के माध्यम से प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है। राज्य सरकार की सभी योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि आमजन को इनका पूरा लाभ मिल सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी 8 फरवरी को बजट पेश करने की घोषणा करते हुए कहा कि अभी असेंबली आ रही है, सिर्फ तैयारी शुरू कर रहे हैं हमारे मंत्रीगण भी, और असेंबली में बजट आएगा हमारा 8 तारीख को। 8 तारीख को बजट ला रहे हैं हम लोग, 8 फरवरी, और 23 को असेंबली शुरू हो रही है। बजट जो है वो इंक्रीज होगा, कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने पिछली बार किसानों के लिए अलग बजट पेश किया था और 12 मिशन बनाए थे हमने अलग अलग कृषि क्षेत्र को लेके, तो मिशन मोड पे किसानों के लिए हमने प्रयास शुरू किए राजस्थान के अंदर। उसी ढंग से हम चाहेंगे कि अब जो बजट आए इस बार किसानों का आएगा अलग से बजट, परंतु फोकस जो है इस बार यूथ को, स्टूडेंट को रखना चाहते, महिलाओं को जो जो सुझाव आएंगे हम चाहेंगे उसमें समावेश करें। आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि अभी हमने भी कहा कि जो ये अनैतिक काम करेगा कोई कर्मचारी, और जिस प्रकार भ्रष्टाचार तो करेगा ही करेगा, अनैतिक कार्य करेगा और अपने जानबूझ करके पब्लिक स्कीमों को लागू करने में कोताही करेगा, अभी प्रशासन गाँव के संग प्रशासन सर्वोच्च अभियान चल रहा है, उसमें कई जगह नगर पालिकाओं के जो ईओ है, अधिकारी है, वो कॉपरेट नहीं कर रहे। 10 लाख का टारगेट था, अभी 6 लाख पहुंचा है। तो हमने तय किया कि भाई अगर कोई जानबूझ के सब कुछ कर रहा है, ऐसे लोगों को खाली एपीओ और सस्पेंड करने का काम चलेगा, इनको बर्खास्त करना चाहिए सरकारी नौकरी से। आपको बता दें कि गहलोत सरकार के चिंतन शिविर के दूसरे दिन नगरीय विकास एवं आवासन, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, आपदा प्रबंध एवं सहायता, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से प्रेजेंटेशन दिया गया। इसी प्रकार अल्पसंख्यक मामलात, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के मंत्रियों की ओर से विभागीय कार्यों की प्रगति, बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं और अभियानों के बारे में प्रेजेंटेशन दिया गया। नगरी विकास एवं आवासन विभाग के प्रेजेंटेशन में बताया गया कि विभाग की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान में लगभग 6 लाख पट्टे जारी किए गए हैं। आमजन की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए शुरू किए गए इस अभियान के तहत अब तक करीब 19 लाख प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। आवासन मंडल की ओर से 50% की छूट देकर आमजन को सस्ती दर पर लगभग 14,000 मकान उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ अब तक 980 इंदिरा रसोई की स्थापना की गई है। इनमें 9.28 करोड़ थालियां परोसी गई है। शहरों में भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है। इस योजना के तहत 4 लाख से अधिक जॉब कार्ड बनाए गए हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिक से अधिक जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर।
ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।